हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ज्योतिष क्रिएटिविटी। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे लास्ट ईयर के रोज़ के ब्लूम्स हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक मेरा रोज़ के ऊपर ही है। देखिए कितना अच्छा से लास्ट ईयर मेरा ब्लूमिंग किया रोज़, तो मैंने क्या तैयारियाँ की थी जिससे मेरा रोज़ इतना अच्छा से ब्लूमिंग किया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें अपने प्लांट्स की प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। अब तक अगर आप लोग अभी तक प्रूनिंग नहीं किए हैं तो हल्का हल्का अभी भी टाइम है, प्रूनिंग कर दीजिए। रोज़ के प्लांट को टिप से थोड़ा थोड़ा छांट दीजिए, क्योंकि रोज़ एक ऐसा प्लांट है जो कि टिप में जाकर फ्लावरिंग करता है, और फ्लावरिंग जब सूख जाए तो उसके सूखे हुए फूल को ज़रूरी हटा दीजिए। रोज़ एक ऐसा प्लांट है जो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कलर शेड में आता है, बहुत ही प्यारा उसका खुशबू रहता है। कोई छोटा बटन रोज़ होता है, कोई गुच्छों में बंच में आता है, कोई बड़ा हाइब्रिड टी रोज़ होता है, कोई देसी रोज़ होता है। बहुत सारा कलर वेराइटी, अनगिनत इसके कलर वेराइटी हैं। तो इस तरह से आप अपने पसंद के रोज़ को ऐड करिए। और अभी हम लोग प्लांट को चलिए न्यूट्रिशन दे देते हैं। तो ये देखिए, मेरा बहुत ही पुराना सड़ा हुआ गोबर का खाद है इस तरह से, जिसमें केचुए भी बहुत सारे हैं। अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप बर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ऑर्गेनिक तरीके से फर्टिलाइज़ करना चाहिए हम लोगों को प्लांट को। लेकिन आप विंटर फ्लावर है तो आप केमिकल में भी जा सकते हैं। और ये देखिए, नीम खली का पैकेट मैं फाड़ रही हूँ, काफ़ी अच्छा ये नीम खली है। और हम लोगों को नीम खली भी ऐड करना है। देखिए कितना अच्छा नीम खली है, तो इस तरह का होता है नीम खली। और ये काफ़ी अच्छा फंजीसाइड का भी काम करता है नीम खली, जो रोज़ क्या हिबिस्कस के भी प्लांट में बहुत ही अच्छा रहता है। तो अभी हम लोगों को प्रूनिंग करने के बाद अब जितना भी रोज़ का प्लांट है या हमारे गार्डन के जितने भी प्लांट्स हैं, सबको अभी फर्टिलाइज़ करने का टाइम है। तो घास फूस सारे ही गमले से हम लोगों को निकाल देना चाहिए, जो कि बारिश के कारण हम लोग बहुत सारा काम पेंडिंग रहता है हम लोगों के गार्डन में, और काफ़ी प्लांट भी ख़राब हो जाते हैं बारिश में, फंगल इन्फेक्शन वगैरह लग जाता है। तो अभी ही समय है कि हम लोग सभी गमलों को कलरिंग करना है तो कर ले, और घास फूस निकाल ले, गुड़ाई कर ले अच्छे से। इन सब जो हमारा पेंडिंग वर्क रह गया है वो सारा पेंडिंग वर्क हम लोगों को अभी कर लेना चाहिए। तो इस तरह से मैं पॉट के रिम के चारों तरफ गुड़ाई कर रही हूँ, जड़ से थोड़ा दूर करके हम लोगों को गुड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जड़ के पास पास ज़्यादा हम लोग को हल्का हल्का गुड़ाई करना चाहिए। और मैं अभी बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ऐड करिए, मैं तो ये बिल्कुल ही बर्मी कंपोस्ट ही बन गया है ऑलमोस्ट। देखिए केचुआ, क्योंकि गोबर की खाद को ही बर्मी कंपोस्ट कहते हैं, बस अंतर इतना रहता है कि उसे केचुए रहते हैं, तो उसमें केचुआ अपना जो खा कर उसको जो एक प्रतिक्रिया डालते हैं, कुछ उसमें केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है, तो वही बर्मी कंपोस्ट बन जाता है। तो ये मुझे फ्री में मिला बर्मी कंपोस्ट ही समझ लीजिए फ्रेंड्स। तो अच्छे से गुड़ाई करने के बाद इसको हम लोगों को ऐड कर देना है, और सारे ही पॉट में ऐड करिए, ना सिर्फ रोज़ बल्कि आप हिबिस्कस और भी जितने आपके पेरिनियल प्लांट है, जो भी आपने गार्डन में रखी हुई है, अभी ही समय है सारे प्लांट को फर्टिलाइज कर देने का। तो मैं रोज़ के प्लांट के ऊपर आप लोगों को बता रही हूँ, और मैंने अभी सारे पॉट को अपने मेरे गार्डन में जितना भी पॉट है तो सभी पॉट में मैंने यही काम किया है, रोज़ के ऊपर भी ये काम किया है, गुड़ाई कर ली, घास निकाल लिया, जिस प्लांट को प्रूनिंग करना है सभी प्लांट को प्रूनिंग कर लिया। और नीम की खली भी देखिए मैं ऐड कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा ये फंजीसाइड का काम करता है। बरसात में हमारे कितने सारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं बारिश होकर। बारिश तो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन कंटिन्यू जब बारिश होते रहता है तो बहुत सारा प्लांट हमारा ख़राब भी हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन वगैरह लग जाता है। सूखे फूलों को भी हटा लीजिए फ्रेंड्स, और सब भी जो भी हमारे पुराने पॉट्स की मिट्टी है उसको भी अभी समय है कि अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। और ये मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट से तैयार किया गया है, तो मिट्टी और कंपोस्ट दोनों इसमें है, और बहुत ही अच्छा से कंपोस्ट बनकर तैयार हुआ है। उसको भी मैं अच्छे से धूप में इसको सुखा ले रही हूँ। यही समय है जब हमारे गार्डन के सारे पेंडिंग वर्क हम लोगों को करना है। सारा मिट्टी को अच्छे से सुखा लीजिए, सोलराइजेशन हो जाता है जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है।
और घास फूस तो निकालना ही है, रोज़ के प्लांट के साथ साथ सारे पॉट को निकाल दीजिए और गुड़ाई भी कर दीजिए, जितना भी कलरिंग वगैरह करना है, जो जो काम हम लोगों का बचा रह गया है इस वक्त हम लोगों को कर लेना है। साथ में हम लोगों को फंजीसाइड का भी स्प्रे करते रहना है रोज़ के प्लांट में, जिससे जो भी हम लोग का फंगल इन्फेक्शन वगैरह लग गया है तो वो भी दूर हो पाए। और अभी समय थोड़ा अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, तो इस समय हर प्लांट अपना ग्रोथ बहुत ही अच्छे से करता है। गुड़ाई वगैरह करके नीम खली और बर्मी कंपोस्ट, एप्सम सॉल्ट, DAP, NPK, पोटाशियम, जो जो प्लांट की जो जो वैल्यू रहती है, जिसको जो जो डालना रहता है, वो सब हम लोगों को डाल लेना चाहिए। बर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छा नीम खली होता है फ्रेंड, जो रोज़ के प्लांट के सिस्टम में जाकर, चाहे कोई भी प्लांट हो, उसे अंदर मिट्टी में मिल जाता है और कोई भी फंगल इन्फेक्शन रहता है वो सिस्टम से जाकर ठीक करता है। हर ब्रांच, हर रूट तक, हर लीफ तक उसका न्यूट्रिशन पहुंचता है। तो इस तरह से सारा ही पेंडिंग वर्क हम लोगों को कर लेना है और फिर हम लोगों को वाटरिंग भी कर देना है। जब भी हम लोग कोई भी फर्टिलाइज़र प्लांट्स को देते हैं तो फिर वाटरिंग ज़रूर ही कर लेना चाहिए, जिससे कि प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। हालांकि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में कुछ भी नुकसान नहीं होता है। हम लोग ऑर्गेनिक, अगर हम लोग केमिकल नहीं डाले प्लांट में तो हम लोग का काम चल जाता है, प्लांट उससे काम अपना चला लेता है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक नहीं देंगे तो प्लांट का काम नहीं चलेगा, क्योंकि केमिकल तो तुरंत ही अपना असर दिखाता है, और लेकिन उसका जितना जल्दी असर दिखाता है उतना जल्दी उसके फ़ायदे भी कम हो जाते हैं। और बार बार केमिकल यूज़ करने से हम लोगों की मिट्टी की उर्वरकता भी कम हो जाती है। लेकिन ऑर्गेनिक देने से क्या होता है कि वो धीरे धीरे स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है, तो धीरे धीरे हमारे प्लांट को मिलता है। ज़्यादा एक साथ ज़्यादा मिल जाने से कुछ भी अच्छा नहीं होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे हम लोग के लिए हो। तो धीरे धीरे जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, तो प्लांट्स को ये धीरे धीरे ही मिलता है। तो इस तरह से, और बाद में फंजीसाइड का स्प्रे आप अपने पूरे गार्डन में कर दीजिए। और समर में जो हम लोग सारे प्लांट्स को, रोज़ के प्लांट्स को साथ साथ में रखे थे सटा सटा कर, ताकि समर से बच पाए, और अभी उसको अलग कर देना है। ऐसा एप्सम सॉल्ट भी डाल दीजिए, और दो चार दाना अगर आप DAP NPK का दो दो दिन के अंतराल पर दो चार दाना हर गमला में NPK और DAP वगैरह डालिए, तो इस तरह से आपके गार्डन के सारे प्लांट में फुल ब्लूम्स आ जाएंगे, जिस प्रकार मेरे पिछले साल के प्लांट में फुल ब्लूम्स आए हैं। उसके बाद जब भी हम लोग फर्टिलाइज़र डालें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा वाटरिंग ज़रूर कर दीजिए, तो हर रूट के कोने कोने में चला जाएगा वाटरिंग हो जाने से, और इस तरह से ब्लूम होगा। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और इंफॉर्मेटिव रहा हो। तो आप भी इस तरह से अपने गार्डन के हर प्लांट को विंटर के लिए तैयार कर लीजिए, इस तरह से अपने सारे प्लांट्स को, तो आपके भी फुल ब्लूम्स रहेंगे गार्डन में फ्रेंड्स। तो टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और खूब सारा गार्डनिंग करिए फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।